मेरा पास बांग्लादेश का सब चीज़ है, सब चीज़ पटाली गुड़, ये जलपाई का अचार देखे बांग्लादेश, मिर्च का अचार, कस्को साबुन बांग्लादेश, ये भी फल, इसका चटनी बनता है हाजमे के लिए, कप्स के लिए, जो कप्स होता है ना, कप टूटता है इसका तो नहीं। ये बड़ा बेलगिरी देखे, हाँ देखे कितना बड़ा है देखे माशाल्लाह, हाँ सबसे बड़ा बेलगिरी है, लौकी का, हाँ जैसे गंदूरस तेल, ये लौकी का तेल, नहीं कोई शिकायत नहीं होगा, चीज़ सॉलिड मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बांग्लादेश का लुंगी है ये देखे, एकदम सॉलिड कपड़ा है, कलौंजी का, हाँ ये कलौंजी का। आज बात करेंगे कराची के अंदर बांग्लादेश की नायाब चीजें जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वो पाकिस्तान में कैसे आती हैं और पाकिस्तान के लोग बंगाली बांग्लादेशी चीजों को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, क्या खासियत है बांग्लादेश की चीजों की, और कराची के अंदर कौन कौन सी बांग्लादेशी चीजें जो हैं वो पाकिस्तानियों को मिलती हैं और पाकिस्तानी बहुत शौक के साथ इन बांग्लादेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी, 1 2 3 गो। हाय 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 हाय, क्या बात, मेरा पास बांग्लादेश का सब चीज़ है, सब चीज़, अंडा पूरी, अंडा पूरी, करे करे बनाए बनाए बनाए, इतना बड़ा, ₹150 का इतना बड़ा, जबरदस्त। ये पटाली गुड़, ये जलपाई का अचार देखे बांग्लादेश, मिर्च का अचार, कस्को साबुन बांग्लादेश, ये भी फल, इसका चटनी बनता है हाजमे के लिए, कप्स के लिए, जो कप्स होता है ना, कप टूटता है इसका तो नहीं। ये बड़ा बेलगिरी देखे, हाँ देखे कितना बड़ा है देखे माशाल्लाह, हाँ सबसे बड़ा बेलगिरी है, लौकी का, हाँ जैसे गंदूरस तेल, ये लौकी का तेल, नहीं कोई शिकायत नहीं होगा, चीज़ सॉलिड मिलेगा, अच्छा मिलेगा। बांग्लादेश का लुंगी है ये देखे, एकदम सॉलिड कपड़ा है, कलौंजी का, हाँ ये कलौंजी का तेल है, ये रेड स्नैपर हीरा है, अच्छा रेड स्नैपर, ये सुनहरी पापलेट है, बहुत जायकेदार मच्छी है, इसका पाया बनता है, सालन का शोरबा ऐसा बनता है कि बेहतरीन, बन के जियो खाओ पियो मजे करो, चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज, बन के जियो खाओ पियो मजे करो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और आप लोग सब कैसे हैं, खैरियत से हैं, मैं ज़ीशान और आपको मेरे इस चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। तो भाई मंड के जियो खाओ पियो मज़े करो, आज मैं एक बार फिर आया हूँ बफरदौन 15B बंगाली पाड़ा, ये बंगला बाज़ार जो है, बहुत यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ बंगला आइटम है, और फिशेज़ जो हैं यहाँ पर बहुत फ्रेश मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, कवर करते हैं, रेट वगैरह भी बताते हैं और सारी मालूमात आपको देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आ जाएं मेरे साथ। होलो शूर चास्तो बांग्ला तो वो जागे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? लुकमान हकीम। लुकमान भाई, ये बताएं आपके पास क्या क्या चीज़ है? मेरा पास बांग्लादेश का सब चीज़ है, सब चीज़ है, सब दिखाएं दिखाएं यार, दिखाऊं? ये देख, ये मूढ़ी है, ये बंगाल का है, हाँ बंगाल का मुरमुरे है, माशाल्लाह मुरमुरे ही है, हाँ ये चावल है, चावल है, ये चावल है, हाँ ये चावल है बांग्लादेश, ये भी चावल है बांग्लादेश, खीर पकते हैं, ये गुड़ है, पतला गुड़ है, अच्छा ये पतला गुड़ है, ये आम पापड़ है, इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बताएं थोड़ा सा, ऐसे ही खाते हैं भाई, रोटी से खाए, खीर पका के खाए, ये चावल कैसा है लुकमान? ये मिनी चावल है, ये 1500 रुपये किलो है, 1500 रुपये किलो, ये 1600 रुपये किलो, ये काला जीरा खुशबू वाला, एक घर में पकता है तो पूरा गली में पता चलता है इस घर में क्या पक रहा है, इतना खुशबू इस चावल में, ये पतला गुड़ है, ये आम पापड़ है, ये भी बंगाली का है, आम पापड़, आम पापड़, आम पापड़, मतलब इसको ऐसे ही खाया जाता है, स्लाइस पीस है, आम का पीस है, अच्छा आम, आम चाट बोलता है, कोई आम चाट बोलता है, कोई आम पापड़ बोलता है, ये पटाली गुड़, अच्छा पटाली गुड़, ये तो खास बंगाल का, हाँ बंगाल का है, ये अचार है देखे, मैंगो अचार, अच्छा ये बंगाल, हाँ इम्पोर्ट है बांग्लादेश का है ना, ये जलपाई का अचार देखे बांग्लादेश, अच्छा ये मिर्च का अचार बांग्लादेश, ये अचार, ये देखे, ये कस्को साबुन बांग्लादेश, अच्छा ये साबुन है, हाँ ये साबुन है कस्को, ये गंदूरस तेल, ये वहाँ पे मतलब लोग जो है इस्तेमाल करते होंगे, हाँ तो इस्तेमाल, हाँ तो इधर भी बहुत इस्तेमाल करते हैं भाई, लेडीज लोग इस्तेमाल करते हैं, चेहरे को साफ करते हैं, जैसा दाना डब्बा होता है ना, अच्छा ये उसके लिए, हाँ एकदम साफ सुथरा कर देते हैं, ठीक है, और ये आगे क्या है? ये गंदूरस तेल लेडीज के लिए, बाल बड़ा करने का, बाल बड़ा करने, कितना बड़ा करोगे, जितना बड़ा कर सकते कर लो, हाँ फिर नहीं मिलेगा, ये अभी जो
टाइम है बस बड़ा करने का। अच्छा लुगवान में ये बताएं यहाँ पे आप कब से हैं? 30 साल से। 30 साल हो गए? हाँ 30 साल हो गया ये ठेले पे, 30 साल हो। मैं उस टाइम पूरा जवान था जब ये ठेला में लगा, अभी तो बूढ़ा हो चुका। इसकी शिकायत विकायत तो नहीं आई? नहीं कोई शिकायत अभी तक नहीं आया भाई। अच्छा जिसने भी लगाया तारीफ किया, लेकिन अभी भी लेके जाता है जो लगा। छोटा कितने का? ये छोटा 1000 रुपए का, बड़ा 1800 रुपए का। अच्छा ये इमली की चटनी किसका होता है? इसी चीज का बना हुआ है। हाँ चटकारे चीज तो अभी दिखाई नहीं है, चटकारे चीज देखे खट्टा मीठा, इसको स्टार फ्रूट कहते हैं। स्टार फ्रूट? हाँ स्टार फ्रूट। हरा भी होता है? हरा भी होता है, पक्का भी होता है। अच्छा हाँ। और ये क्या है दूसरा? ये आमला, रीठा आमला। आमला रीठा मैंने हाँ ये चीज में इस्तेमाल होता है। ये आप ऐसे खाए कैल्शियम में? अच्छा अच्छा ऐसे भी खा? हाँ ऐसे भी खा सकता है, तेल में भी शामिल कर सकते हैं, मांजे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके लिए, सबके लिए हर आमला, बालों के लिए भी? हाँ बालों में, बाल मजबूत। ये सब्जी है बांग्लादेश, परवल कहते हैं इसको। क्या है? पटल। पटल हाँ परवल कहते हैं। ये लेंगे तो 1200 रुपये किलो, ऐसे 1600 रुपये किलो चल रहा है। जब माल ज़्यादा आता है तो 1200 रुपये किलो बेचते हैं, जब माल कम होता है तो 1600 रुपये किलो बेचते हैं। सब्जी है टिंडे की तरह, बहुत मजा है भाई इसमें खाएंगे तो। ये देखे ये हल्दी है, कच्ची हल्दी हाँ, तोड़ के दिखाऊं? ये देखे देखे कैसी, इसको पीसो और पीसो आप ओपटन के लिए दूध में शामिल, दर्द मरद के लिए बहुत अच्छा होता है ओपटन बनाया। ये मच्छी मसाला? अच्छा सालन और दोनों 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 कर सकते हैं आप सालन। कितने की है पैकेट की? ये 150 रुपये की है, 100 रुपये की है। अच्छा सही। ये बेलगिरी है देखिए, छोटा वाला है। अच्छा ये छोटा बेल? हाँ ये कटबेल है। ये फल है ना? हाँ फल है, ये फल में आ जाता है। हाँ ये कटबेल है, अभी तो यहाँ हो रहा है, बांग्लादेश से नहीं आ रहा, अभी यहाँ हो रहा है। यहाँ हो रहा है ये कटबेल है। ये क्या है? ये भी फल है, इसका चटनी बनता है हजमे के लिए, कप्स के लिए, जो कप्स होता है ना, कप टूटता है इसमें तो नहीं। ये बड़ा बेलगिरी देखे, हाँ देखे कितना बड़ा है देखे माशाल्लाह। हाँ सबसे बड़ा बेलगिरी है ये। हाँ क्या हिसाब है बेलगिरी? वो 200 रुपये का दाना है। 200 रुपये का दाना है? ये देसी घी है, ये छोटा 60 रुपये का, दो दाना लेंगे 100 रुपये का। और ये देसी घी है? ये देसी घी है। हाँ एकदम बना। हाँ ये हैदराबाद से आता है हमारे पास, अच्छा घी होता है। ये इंडिया की हल्दी है देखें, ये इंडिया की हल्दी है। अच्छा इंडिया? हाँ ये किस चीज़ के बीज है? ये बम्बई मिर्ची का। बम्बई मिर्ची? हाँ ये बम्बई मिर्ची का बीज है देखें, सही। ये सब्जी का बीज है, मतलब ये काश्त के लिए? हाँ काश्त के लिए, हाँ लगाने के लिए देखें। ये सब्जी है, ऐसी ही सब्जी बनती है? हाँ ऐसी ही सब्जी, हर बीज होता है हमारे पास, कोई सा हाँ हर तरह का बीज है। अपने ही गार्डन में उगा, अपना गार्डन में उगाओ और खुद खाओ, खरीद के नहीं खाओ, सब बीज मिर्ची अपना घर पे लगाओ खुद खाओ। और नारियल भी बहुत सारे? हाँ डाब, नारियल का पानी देते हैं? हाँ ये पानी डाब होता है, इसको डाब कहलाता है। उर्दू में डाब, बंगला में डाब कहलाता है, उर्दू में नारियल पानी। इसको 6 बजे भी आओगे ना फिर भी आपको मिल जाएगा। ये कार्ड है? हाँ ये कार्ड है। ये मछली ले लो भाई, ये सूखी मछली है। ये तो दिखा दुकान में, ये रहेगा। ये चिड़चिड़ी मछली है सूखी। इससे करते क्या है? इससे चटनी बनता है, सालन पकता है, जो जैसा करना चाहता है। अच्छा हाँ ये झींगा है देखे, छोटा झींगा? हाँ बारीक झींगा, इससे चटनी? हाँ चटनी, हाँ ये उससे थोड़ा मोटा है देखे, सही है ये। इसका भी आप जो भी बना सकते हैं, पकौड़ा बनाए, सालन बनाए। हाँ ये मछली है, ये बम्बल मछली है सूखी, चटनियों के लिए चटनी बना, सालन पकता है, अब जो करना है करे भाई। ये कौन सी बकोल? बम्बल, ये इंडिया का तेल है। अच्छा ये देखें, ये नौरंता तेल इंडिया का। अच्छा ओरिजिनल? ओरिजिनल एकदम सारे खालिस। ये देखें ये सब इंडियन माल है देखें। ये देखें ये बांग्लादेश लौकी का तेल, बंगला हाँ ये ठंडा, हाँ बालों के लिए, बांग्लादेश का ये, बांग्लादेश का लौकी का तेल, लौकी का हाँ जैसे गंदूरस तेल, ये लौकी का तेल। अच्छा और ये एकदम लौकी वाला? ये 1800 रुपये का है, इसका छोटा है 1000 रुपये का। ये देखें ये छोटा है, इसका 1000 रुपये का। ये इंडियन तेल है देखे सारा, ये बाल काला करने का तेल। नहीं कोई शिकायत नहीं होगा, चीज़ सॉलिड मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अच्छा, थोड़ा लो अच्छा लो, अच्छा ज़्यादा नहीं लो, इतना सारा नहीं लो बाल सारा झड़ जाएंगे, थोड़ा लगाओ बाल रुकेगा। ये देखे ये टूप है, खारिश का टूप है। अच्छा हाँ ये जैतून का तेल है, हाँ ये लौंग का तेल है, फिर उसका मीठा लौकी का, ये लुंगी है। अच्छा लुंगी भी? हाँ लुंगी भी है बांग्लादेश। हाँ धोती, धोती का आपका दूसरा सैंपल दिखाता हूँ। हाँ दिखेगा तो बिकेगा ना, दिखेगा नहीं दिखेगा तो नहीं बिकेगा। ये देखिए बांग्लादेश का, ये देखिए ये लूंगी। खोल सकता है कुछ? हाँ ये खोल के दिखा रहा हूँ, देखिए। ओए भाई ये बांग्लादेश से आ रहा है, ले लो ना दिखाएं। अरे तुम ले लो, दिखाएं लुकमान भाई।
ये देखें, ये बांग्लादेश का लुंगी है, ये देखें एकदम सॉलिड कपड़ा है, कपड़ा देखें कैसा है, हाँ कॉटन है, सही है भाई, धोती वाले अगर हजरात हैं, हाँ तो आएगा बहुत बंदा था, हाँ धोती का धोती, ये 1500 रुपए का है, ये 1200 रुपए का है, देखें ये, अच्छा ये 1200 का है, ये कलर वाला है, ये कलर वाला, ये व्हाइट वाला है बुढ़ा आदमी के लिए, ये जवान आदमी के लिए, सब मिलता है, चलने वाला, ये देखें ये बांग्लादेश का इमली की चटनी, ये फ्रूट की चटनी, खट्टा मीठा, ये आम पापड़ काला वाला चटाई वाला, बहुत बंदा बोलता है ना चटाई वाला आम पापड़ दो, ये चटाई वाला भाई लुकमान भाई बहुत आइटम है, अमाब आइटम, ये उसका कलौंजी का तेल है, कलौंजी का, हाँ ये कलौंजी का तेल है, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सर में, सर में, खाने में, हाँ हाथ पाँव में मालिश के लिए भी होता है, खाने के लिए कलौंजी का तेल, ये तो शिफा भी है ना, हाँ शिफा भी है भाई, सब हमारे पास सब तेल मिले, सब जो आइटम उनको चाहिए सब मिलते हैं इधर, जबरदस्त, ये इसको भरो। अच्छा लुकमान भाई ये बताएं कि आसान रास्ता क्या है आपके पास आने के लिए, हमारे पास सब आता है, एड्रेस, एड्रेस क्या है, नागन से, नागन से आएंगे सीधा बंगाली पड़ा, नागन से सीधा, हाँ बंगाली, गोदरे, गोदरे की तरफ, 15 भी, सही, बहुत शुक्रिया लुकमान। तो जी व्यूअर ये थी वीडियो, और आपने देखा कि वीडियो में हमें देखने को मिला बांग्लादेश की सब्जियां, बांग्लादेश की फिश, बांग्लादेश के चावल, बांग्लादेश का गुड़, बांग्लादेश के मसाले, बांग्लादेश की हर एक चीज पाकिस्तान से मिलती है, पाकिस्तान में, बड़ी हैरत की बात है पाकिस्तानी कितना ज्यादा पसंद करते हैं। और मेरे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं वो ये बात कहेंगे कि पाकिस्तान में तो रेट बहुत ज्यादा है, वाकई पाकिस्तान में रेट बहुत ज्यादा, क्योंकि जब बांग्लादेश से चीज एक्सपोर्ट होकर, इंपोर्ट होकर यहां पर आती है तो वो यहां पर आकर बहुत महंगी हो जाती है, वैसे भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की करेंसी का भी डिफरेंस है, तो उसके बाद वहां से चीज यहां तक लाने का खर्चा भी पड़ता है, तो उसके बाद चीज वो यकीनन महंगी होगी, और पाकिस्तानी फिर भी वो चीजें खरीदते हैं, और पाकिस्तानी आज भी बांग्लादेश की चीजों को पसंद करते हैं, बांग्लादेश की चीजें खाते हैं और पकाते भी हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, बहुत शुक्रिया।